नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर, जो हम लोग बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही इजी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और इसको शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दो टमाटर लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है और हरी मिर्च चार लिया है। आप लोगों के हिसाब से ले लेना। अभी इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे 8-10 काजू लिया है, इसको भी पीस लूँगी, एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अभी मैंने तेल डाल दिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। पहले मैं इसमें कैप्सिकम डाल दूँ, चिकन को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। चिकन को मैं सौते करके निकाल लिया है। पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करके निकाल लेंगे हम। उसी तेल में सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाऊँगी। तड़का अच्छी तरह से भून जाए। अभी इसमें मैं जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस के रखी थी उसको डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। मैंने 4 हरी मिर्च डाला है, उसी हिसाब से आप लोग जैसे तीखा खाते हैं, लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच की करीब, छोटी चम्मच की 1.5 चम्मच या बड़ी चम्मच की 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे जब तक तेल ना छोड़ दे, तब तक हम लोग इसको पकाते जाएंगे। मसाला अच्छी तरह से भून रहा है, इसी में मैं काजू का जो पेस्ट बना के रखी थी उसको भी डाल दूंगी। सारे चीज़ों को एक साथ पकने दूंगी अच्छी तरह से मिला के। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसको पकने दूंगी। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। इसको डालने से इसमें और भी अच्छा खुशबू आ जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर मीठा पसंद करते हो डालना, नहीं तो मत डालना। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप लोग प्याज लहसुन का बनाना चाहते हैं तो इसमें खाली प्याज लहसुन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, बाकी तो बिना प्याज लहसुन के। अच्छा, इसमें आप साबुत गर्म मसाला के भी तड़का लगा सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के कुछ देर पकने देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो मिक्सी में मैंने काजू को पेस्ट किया था उसका जो पानी है वही डालूंगी। ज़्यादा पानी इसमें मत यूज़ कीजिए आप लोग। इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। मैं कैप्सिकम और पनीर को मैं ऐड कर दूंगी, इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। गैस के फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे और ढक के 2 मिनट इसको होने देंगे। कढ़ाई पनीर हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं सर्व कर दूंगी।